Hi everyone, hope you all are doing great. Let's come to question number 16. Students who are watching this video for the first time, please refer the description below. Question number 16, capital gain ka question hai. Kafi jyada achha question hai, important question hai, examination point of view se. Dekhte hain kya kehta hai. It says, Miss Anshana transferred a house to her friend, Miss Shalini, for rupees 35 lakh. Ek ghar becha hai 35 lakh rupees ka, yani ki Anshana ke haathon mein capital gain aane wala hai. On 1/10/2018, the sub-registrar valued the land for 48 lakh. 48 lakh ki iski stamp value hai. Aapko pata hai section 50C. 50C kehta hai ki agar aapka selling price, yani ki full value of consideration, is less than the stamp value, to hum stamp value ko hi full value of consideration maante hain. To hum yahan par 35 lakh ka selling price hai, but the stamp value is 48 lakh, to hum yahan par 48 lakh ko full value of consideration maanne wale hain. But agar valuation officer ya revenue officer appoint hota hai, और उसकी वैल्यू स्टैम्प वैल्यू से कम आती है तो हम उसकी वैल्यू भी ले सकते हैं. बट इन केस वैल्यूएशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड और वैल्यू जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने डिटरमाइन करी वो स्टैम्प वैल्यू से कम थी तो हम वैल्यूएशन ऑफिसर की ही वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे. सो इन दिस केस मिस अंजना कंटेस्टेड द वैल्यूएशन एंड द मैटर वॉज रेफर टू डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर और जिन्होंने अपनी वैल्यू निकाली है 41 लाख यानी कि स्टैम्प वैल्यू से कम. सो नाउ द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 41 लाख. और आगे लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग दिस वैल्यू द स्टैम्प ड्यूटी इज पेड यानी कि अब स्टैम्प वैल्यू 48 लाख से शिफ्ट होकर 41 लाख हो गई है. द टोटल इनकम ऑफ अंजना एंड शालिनी फॉर असेसमेंट ईयर 1920 बिफोर कंसिडरिंग द ट्रांसफर ऑफ सेड हाउस इज 280,345 यानी कि इनकी अदर इनकम 2,80,000 और 3,45,000 की थी. अंजना के हाथों में कैपिटल गेन आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 41 लाख. देखते हैं कि इन्होंने घर कब खरीदा था और कितने का खरीदा था. द हाउस वॉज परचेज ऑन 15 मई 2014 को घर खरीदा गया था एंड विच इज सेल्ड आउट ऑन 1/10/2018. आप लैंड और बिल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाने के लिए लेते हैं दो साल. दो साल से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है, इंडेक्सेशन होगी. इन्होंने घर परचेस किया था 25 लाख का एंड रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ओवर 1,50,000 रुपीज़ यानी कि जितना भी हम खर्चा करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेस वो हमारी परचेस कॉस्ट में ऐड हो जाता है. टोटल एक्विजिशन कॉस्ट विल बी 26.5 लाख. इस तरीके से आप कैपिटल गेन निकालेंगे मिस अंजना के हाथों में. आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस एंड ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ बोथ मिस अंजना एंड मिस शालिनी टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव सेड ट्रांजेक्शन. तो अंजना के हाथों में एक तो कैपिटल गेन आएगा और दूसरी इनकम 2,80,000 की दी गई है जिसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देख सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कीजिए मिस अंजना के हाथों में. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 41 लाख. प्लीज़ वहाँ पर मैंशन कीजिएगा बिकॉज द सेलिंग प्राइस इज लोअर तो हम स्टैम्प वैल्यू ले सकते थे 48 लाख बट क्योंकि वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट हो गया है तो नाउ द वैल्यू इज 41 लाख. अगर आपको सेक्शन का नंबर याद है तो प्लीज़ ज़रूर कोट कीजिएगा 50C. अगर याद नहीं है तो सेक्शन का नंबर बिल्कुल भी मत लिखिएगा. लेस कीजिएगा इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इनफैक्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म असेट बिक रहा है. आप इंडेक्सेशन कीजिएगा CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर जो कि इस साल का CII 280 डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन विच वॉज 240 इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी आपका एक्चुअल परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको ऐड कर लीजिएगा. 26.5 लाख का इंडेक्सेशन कर देंगे और कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है तो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है. प्लस इनकी दूसरी इनकम 2,80,000 की थी उसको ऐड करके आप टोटल इनकम शो कर सकते हैं. अगर हम दूसरे एसएससी की बातें करें मिस शालिनी की जिनकी अदर इनकम दी गई है 3,45,000, क्या इनकी इसके अलावा भी कोई इनकम आ रही है? द आंसर इज येस. आप याद कीजिए सेक्शन 56. अगर आपको कैपिटल एसेट मिल जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन और इनएडिक्युएट कंसिडरेशन जिसका डिफरेंस 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो वो भी इनकम बन जाएगी सेक्शन 56 IFOS. तो यहाँ पर इनको एक घर परचेस कर रहे हैं 35 लाख रुपीज़ का एंड हाउस इज़ अ कैपिटल एसेट. 35 लाख का परचेस कर रहे हैं जिसकी स्टैम्प वैल्यू 41 लाख अब हो गई है. 41 लाख माइनस 35 लाख 6 लाख इनकी IFOS की इनकम हो जाएगी. सो हर टोटल इनकम विल बिकम 9,45,000. आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेंगे. स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय.